वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं IMD ने मुंबई में 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं मुंबई में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई में रविवार 7 जुलाई देर रात 1 बजे से सोमवार 8 जुलाई सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। बता दें कि इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी में आज होने वाली सभी परीक्षाएं टाल दी गई है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बता दें सभी स्कूलों और कॉलेज भी बंद है। वहीं पुणे, रायगढ़ और नवी मुंबई में भी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। महाराष्ट्र के अलावा मौसम विभाग ने आज 5 राज्यों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। मुंबई में अभी तक ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले IMD की तरफ से रेड अलर्ट किया गया है। तो इसमें 3-4 चीजें रेलवे की तरफ से की गई है। अगर आपने देखा होगा तो जो ट्रेडिशनल स्पॉट्स थे जहां पे पानी का संचय ज्यादा होता था, जिससे कि रेलवे की सेवाएं अफेक्ट होती थी, इन सारी जगहों पे पंपिंग मशीन्स का अरेंजमेंट किया गया है। कई सारी जगहों पे ट्रैफिक लिफ्टिंग के या परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन के, जैसे कि एडिशनल कहीं ड्रेन बनाना, ये काम किए गए हैं। किंतु अभी जो रेड अलर्ट है, इसमें इन कामों के साथ साथ में ही मध्य रेलवे ने एडिशनल RPF स्टाफ और एडिशनल टिकट चेकिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट अलग अलग स्टेशनों पर किया गया है, जो कि भीड़ का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसमें सभी लोगों को मदद करेंगे। और इसी के साथ ही मध्य रेलवे ने और महाराष्ट्र सरकार ने भी ये सारे यात्रियों से भी ये दरख्वास्त की है, ये अनुरोध किया है कि कृपया जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। क्योंकि दोनों, अगर ये रेड अलर्ट में बारिश ज़्यादा होती है, जैसे कि आज रात में 12 बजे से 6 बजे तक करीब करीब 300 mm की बारिश हुई, जिसके चलते मध्य रेलवे की लोकल सेवाएं भी कुछ समय तक प्रॉपरली नहीं चल पाई। ऐसी अगर बारिश होती है या इससे ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो सेवाओं को चलाना या मध्य रेलवे के ऊपर जो लोकल सेवाएं हैं, चाहे वो मेन मार्ग की हो चाहे हार्बर मार्ग की हो, वो दुर्धर हो सकता है। इसीलिए हमारा सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक यात्रा करने से परहेज करें। सर, अभी कितनी ट्रेन डिले चल रही है, क्या कितनी इफेक्ट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो ट्रेनें चल रही हैं, उन ट्रेनों में अगर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की हम बात करें तो करीब करीब हमारे पास में 30 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, जिसकी जानकारी हमने जो ऑथराइज्ड टिकट या ऑथराइज्ड नंबर आपने अपने टिकट में दिया था उसके ऊपर IRCTC के द्वारा मैसेज के द्वारा कन्वे किया गया है। साथ ही साथ सारे ही सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी ये जो गाड़ियां रिशेड्यूल हुई हैं उसकी जानकारी हम यात्रियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी टोटल 9 गाड़ियां हैं जो कि कैंसिल करनी पड़ी थी हमें, जो सुबह जलभराव हुआ था उसकी वजह से। और साथ ही साथ में हमारे पास में करीब 4 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट की गई थी, जिनकी ओरिजिन भी वहीं से होगी, जिसमें कि प्रामुख्य से पंचवटी एक्सप्रेस है जो मनमाड़ से चालू होकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आती है।